जी मैं और मोहित तो आ जाएंगे, लेकिन मैं स्पेशली अपनी बहन के लिए आई हूँ आज। जी वो असल में इसकी शादी मेरी शादी से पहले हुई थी और इसे अभी तक कोई औलाद नहीं। देखिए पहले मैं कुछ टेस्ट आपको लिखकर दे देती हूँ, आप वो करवा लीजिए। जब उन टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी फिर ही हम कुछ बात कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, आप मुझे लिख दीजिए। ये प्लीज आप टेस्ट लाजमी करवा लीजिएगा। ठीक है? तुम मुझे झूठ बोल के यहाँ पे लेकर आई हो? तुमने कहा था तुम अपना टेस्ट करवाना है, तुम मेरा टेस्ट करवाने के लिए आई हो यहाँ पे? हाँ मैं तुम्हारा टेस्ट करवाने के लिए आई थी यहाँ पर। मिथक, अगर सहन को पता चल गया ना बहुत नाराज होगा। सहन क्यों नाराज होगा? और तुम उसे बताए बगैर क्यों नहीं आ सकती? उनका टेस्ट तो नहीं करवाना ना। ऐसे मामला नहीं होते, अकेला आके करवा के चली जाओ, सहन को पता होना चाहिए। हाँ ये बात ऐलानिया भी नहीं की जाती। मिथक नहीं, यहाँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है, जहन को पता चल गया बहुत नाराज हो जाएगा मुझसे। अगर वो नाराज होते हैं ना तो उन्हें होने दो, कभी कुछ काम अपनी मर्जी से भी कर लिया करो और अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए अड़ जाया करो, समझे तुम? वैसे जैद साजदा आंटी को तंग कर रहा होगा गाड़ी में, जल्दी से टेस्ट करवाओ। आ जाओ, तुम्हें बात नहीं सुनो, आ जाओ फौरन से। मिदत नहीं आ रही है नाश्ते पे? सो रही थी वो, पूरी रात जैद ने इतना तंग किया है ना, एक मिनट के लिए नहीं सोने दिया उसे। बार बार जैद की आवाज से सुन के मैं कमरे में चली जाया करती थी। सॉरी यार, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तुम इतनी गहरी नींद सोते हो ना इसलिए। तुम फिक्र नहीं करो, जब हमारे घर में हमारा नाना मेहमान आएगा ना तो आदत बदल जाएगी। वो यूं रोएगा, मैं यूं उठ जाऊंगा। एकदम इतनी सीरियस हो गए? सहन, तानी हमारे घर में खुशखबरी कब आएगी? देखो जब सही वक्त आएगा ना, द राइट टाइम, इंशाल्लाह हो जाएगा और बहुत प्यारा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है आपके नन्हे राजा ने बहुत सताया आपको पूरी रात? हाँ कभी ऐसा करता नहीं है, अभी तंग कर रहा था, अभी जनाब बहुत आराम से सो रहे हैं। सब हुई? कल सुबह 4 बजे मोहित घर आ जाएंगे, एयरपोर्ट से फोन आया था उनका। हाँ तुमने मुझे बताया था रात को। रात को तुमने मुझसे इजाजत ली थी, बताया था कि एक दिन के लिए तुम मिद्दत के घर रहना चाहती हो। कल ये क्यों नहीं बताया कि रीजन ये है कि उस दिन मोहित पाकिस्तान आ रहा है? सैन मैं तुम्हें बताना भूल गई। तुम्हारे जहन से निकल गया कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं इसलिए तुम वहां जा रही हो रहने के लिए? जैन भाई एक ही दिन की तो बात है, दरअसल मोहित के घर आने से पहले कुछ सफाइयां करवानी हैं, कुछ उनकी पसंद की एक दो डिशेस बनवानी है। वो फ्लाइट में खाना नहीं खाते ना, तो घर आके खाना खाएंगे वो। तो मैं कुक को और सफाई करने वाले को भेज देता हूँ तुम्हारे घर, इसको लेके जाने की क्या जरूरत है? दरअसल मोहित कल सुबह 4 बजे आ रहे हैं, तो जब तक मैं अकेली घर पे क्या करूंगी? अरे तुम वो कोई पुरानी वाली छोटी सी नन्नी सी मिद्दत थोड़ी हो, नन्ना सा खुद है तुम्हारे पास, एक प्यारा सा बड़ी हो गई हो, माँ बन गई हो। वो अकेले रहते मैं डर कैसा, बार बार हस्बैंड पाकिस्तान से बाहर जाएगा तो बार बार डरोगी। जैन सिर्फ एक दिन और रात की तो बात है, मैं तुम्हारे उठने से पहले ड्राइवर के साथ वापस आ जाऊंगी। अब वो घर को देखेगी या जैद को देखेगी? साजदा आंटी चाहे